नमस्कार, निवेश टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड में सरकार ने क्या नया बदलाव किया है और इससे किसानों को किस तरीके से लाभ होने वाला है। और आज इस वीडियो में किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अगर पसंद आएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, जिसके लिए हम इस आभारी रहेंगे। और आगे किसानों के निवेश से संबंधित अच्छी वीडियो बना सके, ये हमारे लिए प्रेरणादायी होगी। आइए जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड में क्या बदलाव और सरकार ने क्या तोहफा दिया है, आगे जानेंगे विस्तृत जानकारी। कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। लॉकडाउन से किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात KCC रखने वाले किसान भाइयों को इसका इस्तेमाल घर की ज़रूरतों को पूरा करने में भी कर सकते हैं, बड़ा तोहफा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन में 10% रकम, ध्यान से सुनिएगा, लोन की 10% रकम को घरेलू खर्च में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दिया है। RBI ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे दी है। बिना गारंटी के मिलता है 1.60 लाख रुपए का लोन। किसान क्रेडिट कार्ड पर 1.60 लाख रुपए का लोन फिलहाल बिना किसी गारंटी के मिल रहा है। इसके अलावा 3 लाख रुपए का लोन गारंटर के साथ मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए लोन पर बैंकों को ओर से 4% सालाना ब्याज लिया जाता है, लेकिन समय पर अदा किए जाने पर ब्याज में 1% की छूट भी मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिसके जरिए वे अपने KCC अकाउंट से कैश निकाल सकते हैं किसी भी ATM के माध्यम से। यही नहीं, किसी भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर इसके जरिए पेमेंट भी कर सकता है। हम जानते हैं कैसे मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आवेदन करना है तो इसके लिए PM किसान सम्मान निधि में अकाउंट होना जरूरी है। सिर्फ वही ग्राहक सरकार की इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल साइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को आपको अपनी भूमि के दस्तावेज, फसल की डिटेल के साथ भरना होगा। यह जानकारी भी देनी होगी कि आपने किसी अन्य बैंक या शाखा से कोई और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं न बनवाया है। आवेदन भरकर सबमिट करें, जिसके बाद संबंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, अर्थात कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत होती है किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, आइए जानते हैं। ID प्रूफ के लिए वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। वहीं एड्रेस प्रूफ के लिए, पता के प्रूफ के लिए वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। अब आइए जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड को एक नज़र में। किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के किसानों को आमतौर पर उधारदाताओं जैसे साहूकारों द्वारा वसूल की जाने वाली उच्च ब्याज दरों से बचाना है। इस योजना के तहत ब्याज दर 2% तक कम हो सकती है। इसके अलावा पुनर्भुगतान अवधि फसल की कटाई या व्यापार अवधि पर आधारित होता है, जिसके लिए लोन राशि ली गई थी। अन्य जानकारी के लिए आइए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि हमने बता दिया है कि COVID-19 लॉकडाउन के कारण RBI ने बैंकों और अन्य वित्त संस्थानों को सभी लोन और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान पर 3 महीने का मोरेटोरियम अवधि देने की अनुमति दे दी है। आप अपने किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं और 31 मई 2020 तक भुगतानों को टाला या स्थगित किया जा सकता है। सरकार इसे आगे बढ़ाने के लिए भी सोच रही है। किसान क्रेडिट कार्ड की क्या विशेषताएं और लाभ हैं, आइए जानते हैं। ब्याज दर 2% जितना कम हो सकती है। 1.60 लाख रुपए तक के लोन बिना किसी सिक्योरिटी सुरक्षा के प्रदान किया जाता है। किसानों को फसल बीमा योजना भी प्रदान की जाती है। निम्नलिखित बीमा कवरेज प्रदान की जाती है, स्थायी विकलांगता और मृत्यु पर 50,000 रुपये तक, अन्य जोखिमों के मुकाबले 25,000 रुपये तक प्रदान किया जाता है। भुगतान अवधि फसल की कटाई और व्यापक
अवधि पर आधारित होती है जिसके लिए लोन राशि ली गई थी। कार्ड धारक द्वारा 3 लाख रुपए तक की लोन राशि निकाली जा सकती है। 1.60 लाख रुपए तक के लोन पर सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट में बचत पर उच्च ब्याज दर प्राप्त करते हैं। सरल ब्याज दर तब तक चार्ज की जाती है जब तक उपयोगकर्ता शीघ्र भुगतान करता है, अन्यथा चक्रवृद्धि ब्याज दर लागू की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना नाबार्ड, जिसको हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा निर्धारित की गई थी और भारत के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा इसका पालन किया गया। केसीसी की पेशकश करने वाले शीर्ष बैंक हैं भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। इसके अलावा बहुत सारे अन्य ग्रामीण और क्षेत्रीय बैंक भी हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करते हैं। केसीसी पर ब्याज दर बैंक से बैंक में भिन्न होती है, अर्थात अलग अलग बैंकों में इसको हम ऊपर नीचे देख सकते हैं। हालांकि अधिकांश बैंक सरकार की योजनाओं के अनुसार ब्याज उप लोन प्रदान करते हैं, जहां पर लगाया गया ब्याज 2% से कम हो सकता है। अब जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने की योग्यता और शर्तें क्या हैं। सभी किसान जो अकेले या अधिक व्यक्ति के साथ मिलकर खेती या खेती संबंधित कार्य करते हैं, वे व्यक्ति जो स्वामी सह कृषक हैं, सभी किराएदार किसान या मौखिक पट्टेदार और कृषि भूमि के बटाईदार हैं, स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह जिसमें किराएदार किसान या बटाईदार शामिल हैं, किसानों को 5,000 रुपये और अधिक के उत्पाद लोन के लिए योग्य होना चाहिए और फिर वह किसान क्रेडिट कार्ड का हकदार होगा। ऐसे सभी किसान जो फसल उत्पादन या किसी भी संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ गैर कृषि गतिविधियों के लिए शॉर्ट टर्म लोन के लिए योग्य हैं, किसानों को बैंक के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसा कि आगे बताया हमने, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जैसे पहचान प्रमाण पत्र, और एड्रेस के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य सरकार द्वारा स्वीकृत आईडी। आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन फार्म। आवेदक ध्यान दे कि दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएँ बैंक के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। ऊपर दी गई लिस्ट में केवल कुछ मूल दस्तावेज शामिल हैं। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे हम आवेदन कर सकते हैं। किसान जो केसीसी ऑनलाइन का लाभ उठाना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। पसंदीदा बैंक की वेबसाइट पर जाएं और उनके किसान क्रेडिट कार्ड सेक्शन पर जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट करें, आवेदन फॉर्म को विधिवत भरें, आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों को निकटतम बैंक की शाखा में जमा करें। लोन अधिकारी आवेदक के साथ आवश्यक जानकारी साझा करेगा। लोन की राशि मंजूर होते ही कार्ड भेज दिया जाएगा। केसीसी प्राप्त करने के बाद ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग शुरू कर सकते हैं बैंक शाखा जा करके। किसान क्रेडिट कार्ड चाहने वाले किसान बैंक के अधिकारी से भी मिल सकते हैं और बैंक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारी फॉर्म भरने में आवेदक की मदद करेगा, अर्थात किसान की मदद करेगा। बाद में लोन अधिकारी आवश्यक विवरण साझा करेगा और आवेदन की प्रक्रिया करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड नियमित असुरक्षित क्रेडिट कार्ड से अलग है, वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं। ग्राहकों को बैंक जाना चाहिए और फिर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। लोन अधिकारी उस लोन राशि पर निर्णय करेगा जो आवेदक को दी जाएगी। यह 3 लाख रुपए तक हो सकती है। एक बार राशि स्वीकृत होने के बाद उपयोगकर्ता को बैंक का किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। कार्ड धारक अब उस क्रेडिट की सीमा पर वस्तुओं की खरीद कर सकता है। ब्याज दर के लिए लिए गए लोन की राशि पर लागू होगी। समय समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा कि निकाले गए लोन पर न्यूनतम ब्याज दर लागू हो। केसीसी कार्ड धारक को गतिशील लोन प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता अधिकतम क्रेडिट सीमा तक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लोन राशि निकाल सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें एक बड़ी मूल राशि से जुड़े बड़े ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। COVID-19 महामारी ने पूरे भारत में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित कर दिया है। अर्थव्यवस्था में व्यवधान को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त संस्थानों, बैंकों और NBFC को लोन भुगतान पर 3 महीने की मोहलत प्रदान की है, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं। ध्यान देने योग्य आवश्यक बंधु क्या है। योग्यता कोई भी जिसकी पुनर्भुगतान तिथि 1 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020 के बीच हो।
आवेदन कैसे करें। मॉरेटोरियम अवधि के लिए आवेदन करने के लिए ग्राहकों को बैंक से संपर्क करना होगा। हालांकि कुछ बैंक स्वतः ही लोन अकाउंट पर मॉरेटोरियम अवधि लागू कर देंगे यदि ग्राहक 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 के बीच भुगतान रोक देता है। इसमें कौन से लोन भुगतान को कवर किया जाता है? मूल राशि और या ब्याज, बुलेट पुनः भुगतान, मासिक समान किस्तें, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। और अधिक जानकारी प्राप्त आपको हो गई होगी। हमें आशा करते हैं कि यह हमारा वीडियो किसान भाइयों को और जानकारी चाहने वालों को अच्छा लगा होगा। यदि हमारी जानकारी पसंद आई हो तो ज़रूर निवेश टीवी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।